एडी जो है ईएफ के पैरल है और ये बीसी के पैरल है, ठीक है जी। एडी की जो लंबाई है वो 8 है, बीसी की जो लंबाई है 12 है, तो आपसे पूछा है यहाँ पे ईएफ की लंबाई। देखिए डायरेक्ट कंसेप्ट है, अगर किसी भी सवाल में ऐसे ऐसे तीन पैरल लाइन खींची जाए, इसके मुंह को इसकी चोंच से मिलाओ, इसके मुंह को इसकी चोंच से मिलाओ, तो ये जो लाइन होती है मेरे दोस्तों ईएफ, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है आपको याद है किसी को? ईएफ की जो लंबाई होगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, 8 × 12 अपॉन 8 + 12। ईएफ की जो लंबाई होगी डायरेक्ट ध्यान रखिएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, अगर ये ए है ये बी है तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, 12 × 96, 96 को 20 से भाग करेंगे 4.8, तो 4.8 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। प्रूफ पर अभी नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा पेपर